अपने सरल सौम्य व्यवहार से सियासत में खास पहचान कायम करने वाले विधायक मधु वर्मा के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। जहां अपने नेता को जन्मदिन पर बधाई देने बड़ी संख्या में कार्यकर्ता विधायक आवास पर पहुंचे थे। देखिए ये खास खबर। उत्साह के साथ मना एमएलए मधु वर्मा का जन्मदिन। कार्यकर्ताओं ने दी मधु भैया को जन्मदिन की बधाई। मधु भैया के जन्मदिन का कार्यकर्ताओं में उत्साह। अपने समर्थकों के बीच विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध विधायक मधु वर्मा का जन्मदिन अब की बार कुछ खास था, क्योंकि अब की बार मधु भैया को जन्मदिन पर बधाई देने राव विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों से लोग पहुंचे थे। जहां सुबह से ही अपने नेता को जन्मदिन की बधाई देने वालों की बड़ी संख्या विधायक आवास पर नजर आ रही थी। इस दौरान विधायक गोलू शुक्ला, बीजेपी नेता सुमित मिश्रा, पार्षद प्रशांत बड़वे, मोनू भाटिया, मन्नी भाटिया, विजय पाटकर समेत तमाम कार्यकर्ताओं ने मधु भैया को जन्मदिन की बधाइयां दी। शुक्ला और पार्षद प्रशांत बड़वे ने मधु भैया को जन्मदिन की बधाई देते हुए दीर्घायु होने की कामना की। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, हम सबके नेता आदरणीय मधु वर्मा जी का आज जन्म दिवस है। मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत मंगल कामना देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। वो शतायु हो चिरायु हो, उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामना। आज हमारे इंदौर शहर के लाडले दमदार विधायक, जिन्होंने एक बहुत बड़ी जीत अभी अभी दाखिल की है अपने विधानसभा चुनाव में, हम सबके लाडले विकास पुरुष, आज उनका जन्मदिन है। निश्चित तौर पे आज के दिन इंदौर के लिए बड़ा शुभ दिन है, क्योंकि हमारे राव विधानसभा का आज के दिन फिर से एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। मैं आपके माध्यम से एक शेर पेश करना चाहूँगा मधु वर्मा जी के लिए कि मधु वर्मा जी जब चलते हैं तो तूफान चलते हैं, मधु वर्मा जी जब रुकते हैं तो तूफान रुकते हैं, और मधु वर्मा से न टकराना दोस्तों, वो बदलते हैं तो इतिहास बदलते हैं। कार्यकर्ताओं ने मधु भैया को दिल की गहराइयों से जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए खास मैसेज भी दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा राव विधानसभा में मधु वर्मा जी के निजी निवास पर जल सुराम अपना उमड़ा हुआ है, और बहुत अधिक संख्या में लोग पूरी राव विधानसभा से और पूरे शहर से लोग आए हुए हैं उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए। और आज के दिन उनका अब जन्मदिन है 1 मार्च को, मैं अब मधु वर्मा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और पूरी राव विधानसभा के और इंदौर के समस्त अपना जनता की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ मधु वर्मा जी को। मधु वर्मा जी का जन्मदिन है और हमारा सारा युवा सिख संगठन और जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सिंह सभा की टीम है आए हैं, कारण विकास पुरुष है, युग पुरुष है और एक जननायक के रूप में बनकर उभरे हैं। इनके जो विकास करने का तरीका है वो आज उसके सम्मान के हकदार हैं, और इस जन्मदिन पर दीर्घायु हो, शतायु हो और हमेशा स्वस्थ रहें और ऐसे ही जन सेवा में हमेशा जुड़े रहें। मैं, हमारी टीम, हमारे प्रेसिडेंट हरपाल सिंह भाटिया मोनू और पूरी मध्य प्रदेश युवा सिख संगठन की टीम, टीम फतेह, उनकी सबकी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इसी तरीके से जनता की सेवा करते रहें, इसी यही हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं से मिले अपार स्नेह और आशीर्वाद के लिए एमएलए मधु वर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। देखिए आज प्रत्येक वर्ष में तो जन्मदिन मनाने के मूड में नहीं रहता हूँ, लेकिन कार्यकर्ताओं का इतना उत्साह रहता है, मुझे जन्मदिन मनाना पड़ता है। आज आप देख रहे हैं कि राव विधानसभा के अंदर पिछले साल भी ऐसे ही उत्साह था, आज भी बहुत उत्साह है मेरे कार्यकर्ताओं का। मैं कार्यकर्ताओं से यही निवेदन करूँगा, ईश्वर उनको भी, मैं समझता हूँ कि उनकी भी उम्र बढ़ाए और उनको भी कोई दुख के बादल आए तो कम से कम मैं उनको उनके दुख सुख में खड़ा रहूं, बस इतना ही कहूँगा आज के दिन। देखिए राव के अंदर हम लोगों ने चुनाव जीतने के 7 दिन बाद ही मध्य प्रदेश सरकार से
22 करोड़ के काम हमने हमारी विधानसभा में मंजूर कर दिए। हर वार्ड में काम होंगे, उसके टेंडर भी लग गए, स्वीकृति भी आ गई। चुनाव के बाद हम लगातार विकास के कार्यक्रम रखेंगे और 2 महीने तक विकास के भूमि पूजन करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो अपने सरल सौम्य व्यवहार से सियासत में खास पहचान कायम करने वाले विधायक मधु वर्मा के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं में खास उत्साह देखने को मिला, जहां अपने नेता को जन्मदिन पर बधाई देने बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके निवास पर पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।